जय हिंद दोस्तों माय नेम इज़ कृतिका साहू आज से हम घटना चक्र सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे इस सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो घटना चक्र में दिए हैं सिर्फ उसी को कवर करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर किया, किया जाएगा चैप्टर वन स्टोन एज स्टोन एज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है पालियोलिथिक मीजोलिथिक एंड न्योलिथिक पालियो का मतलब होता है ओल्ड लिथिक का मतलब होता है स्टोन सो पालियोलिथिक का मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज पालियोलिथिक एज में ह्यूमन बीइंग एक हंटर गैदरर था हम हंटिंग करते थे और रॉ मीट कंज्यूम करते थे मीजोलिथिक में आते आते हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था एंड न्यूलिथिक में फायर की इन्वेंशन हुई एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और ग्रेनज उगाना स्टार्ट किया ओके सो पालियो में हंटिंग मीजो में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड न्यूलिथिक में फायर एग्रीकल्चर एंड ग्रेन ये आप याद रखिएगा नाउ हिस्टोरियंस ने ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिटर्न एविडेंसिस हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया है प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री एंड इन हिस्ट्री प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जब से इंसान ने uh, पत्थरों का इस्तेमाल किया है एज अ टूल फ्रॉम दैट पीरियड टिल हमने राइटिंग की इन्वेंशन की सो so, पत्थरों के इस्तेमाल से राइटिंग के इन्वेंशन तक का जो टाइम पीरियड होगा वो प्री हिस्ट्री कहलाया जाएगा प्रोटो हिस्ट्री वो होती है जहाँ पे हमको रिटर्न एविडेंसेस तो अवेलेबल हैं बट अभी तक हमने उसको डी नहीं कर पाए हैं ओके एंड हिस्ट्री वो है जहाँ पे हमको रिटर्न एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं और हमने उसको डी कर दिया है और रिटर्न एविडेंसेस के बेसिस पे ही हमें उस टाइम के पीरियड के बारे में पता चलता है तो इस इन्फॉर्मेशन से आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फूड हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पालियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज एन ही वॉज बेसिकली अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्क्योलॉजिस्ट रॉबर्ट फूड को हम फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहते हैं एंड ही वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्क्योलॉजिस्ट ही वॉज एसोसिएटेड विद जियोलॉजिकल सर्वे एंड ही डॉक्यूमेंटेड द एंटिक्स ऑफ स्टोन एज तो जब भी रॉबर्ट फूड का नाम आएगा तो वो प्री हिस्ट्री एंड स्टोन एज से रिलेटेड है ये याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन ब्रॉन्स एंड आयन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपन हेगन म्यूजियम वॉज कॉइन्ड बाय सो इट वॉज कॉइन्ड बाय द डैनिश आर्क्योलॉजिस्ट जिनका नाम था क्रिश्चियन जगेंसन थॉम्सन 1818 में इन्होंने एक कमीशन रिपोर्ट प्रेजेंट की थी जहाँ पे इन्होंने आर्क्योलॉजिकल सिस्टम को तीन एजेस में डिवाइड किया था स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयन एज नेक्स्ट है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है देखिए अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन ऑप्शन नंबर डी मीजोलिथिक देखिए अगर इस आपको अगर ये याद नहीं आता तो वर्ड डोमेस्टिकेशन में हमने एम ई एस लिखा हुआ है बीच में और मीजोलेथिक ऑल्सो स्टार्ट्स विद एम ई एस तो ये कॉमन पॉइंट से आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के का आंसर आपको याद आ जाना चाहिए एग्जाम में अच्छा ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे देखा गया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के साइट्स कौन कौन से हैं एक तो है आदमगढ़ में जो होशंगाबाद एमपी का एमपी में है होशंगाबाद एमपी का अगर आपको याद होगा करंट अफेयर से इसका नाम अभी चेंज होकर रिसेंटली हमने क्या रखा है नर्मदापुरम सो so, आदमगढ़ होशंगाबाद एम पी विच इज नर्मदापुरम राइट नाउ आदमगढ़ में हमको साइट है आदमगढ़ एक ऐसा साइट है जहाँ पे हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेज मिले हैं अलॉन्ग विद डैट राजस्थान के बिलवारा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम आता है साइट का नाम है बागौर अच्छा अब इसे याद कैसे करेंगे देखिए आदमगढ़ से हम बना लेते हैं आदम आदम मतलब आदमी ओके एंड बागोर से हम ले लेते हैं बैग तो जब इंसान ने आदमी ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया तो उन लोगों ने फॉरेस्ट से एनिमल को जब घर लाया तो उन्होंने एक बैग में भर के लेके आया सो so, आदमी ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के लिए एक उन एनिमल्स को बैग में भर के अपने घर लेके आए सो so, इससे आपको ये दोनों साइड्स एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएंगे देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मीजोलिथिक पीरियड बगौर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए आदमगढ़ द मीज़ोलिथिक कंटेक्स एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड इन आदमगढ़ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू बोन इम्प्लीमेंट इसका पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम है डॉक्टर जय नारायण पांडे इन्होंने पुरातत्व विमर्श करके एक बुक थी वो लिखी थी इस बुक में उन्होंने हमें बताया था कि मीज़ोलिथिक uh, साइट पे बहुत लार्ज नंबर पे बहुत सारे हड्डियों से बने हुए इम्प्लीमेंट्स पाए गए हैं इम्प्लीमेंट्स अप ऑफ बोन्स पाए गए हैं मीजोलिथिक साइट में इसके साथ साथ हमको बहुत सारे हॉर्न्स मिले हैं बहुत सारे सिंग मिले हैं इन साइट्स का नाम क्या है सराई नहर राय दमदमा एंड महादहा देखिए इसके बारे में अगर आप दमदमा की बात करें तो दमदमा में हमें फोर्टी वन फोर्टी वन ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं विच इंक्लूड्स डबल एंड ट्रिपल बरियल अच्छा बट डबल एंड ट्रिपल बरियल का मतलब क्या हुआ एक ऐसा ह्यूमन ग्रेव जहाँ पे एक साथ दो ह्यूमन्स को दफनाया गया होगा एंड ट्रिपल बरियर बरियल में एक साथ तीन विमेन तीन ह्यूमन बींग को दफनाया गया है ओके एंड जो सराय नहर राय है वहाँ पे उस उसमें जो ह्यूमन ग्रेव थी वहां पे एक साथ चार ह्यूमन को दफनाया गया था ये आप याद रखिए रखिएगा कि डबल एंड ट्रिपल दमदमा था एंड फोर सराय नहर राय है क्योंकि आगे क्वेश्चन बना है इससे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लें फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड आंसर है सी एन डी महादहा सराई नहर राय देन बोन इम्प्लीमेंट इन मीजोलेथिक कंटेक्ट हैराई नहर राय महादहा देखिए जो मैं नंबर याद करने की आपको बात कर रही थी वो क्वेश्चन नंबर एट में है थ्री ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव और देखिए ये रिसेंट का क्वेश्चन है में आया है तो थ्री अगर आया है तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हम डबल या फिर फोर बरियल की बात कर सकते हैं सो ट्रिपल बेरियल कहाँ पाया गया था दमदमा में है ना अच्छा अब आ, सीरियल की बात आते हैं द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था न्यूलिथिक में हमने सबसे पहले पढ़ा है इसके बारे में न्यूलिथिक एज में हमने सीरियल एग्रीकल्चर एज वेल एज फायर की इन्वेंशन कर ली थी अच्छा अगर अभी साइट की हिस्ट्री की बात करें तो बाय दट बाय टू के पहले तक हम ये मानते थे कि जो मेहरगढ़ है जो कि बलोचिस्तान में है पाकिस्तान का पार्ट है अभी मेहरगढ़ एंड कोल्डिवा कोल्डिवा बेसिकली बेलन वैली के पास पड़ता है यूपी में ओके okay? सो so, कोल्डिवा एंड मेहरगढ़ स्पेशली मेहरगढ़ जो है दैट वॉज कंसिडर टू बी द फर्स्ट साइट जहाँ पे हमने आ, सीरियल उगाया था बट रिसेंटली रिसेंटली मतलब बाई 2007 थाउजेंड एंड सेवन एंड टू थाउजेंड एंड एट हमने डिस्कवर किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाम एक मिनट बताती हूँ एक सेकेंड रिसेंट डिस्कवरी से पता चला है कि लौरा देवा नाम का जो साइट है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी के एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे राइस कल्टीवेशन मिला है और इसका डेट है सेवन थाउजेंड से नाइन थाउजेंड बी सी अगो ओके okay? और जो मेहरगढ़ है जो कि बलोचिस्तान में है दैट इज़ सेवन थाउजेंड बी सी तो देखिए अगर ऑप्शन में सिर्फ मेहरगढ़ दिया होगा तो मेहरगढ़ टिक करिएगा मेहरगढ़ एंड लौरा देवा दिया होगा तो लौरा देवा विल बी द फर्स्ट साइट अच्छा फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड फर्स्ट राइस लौरा देवा बट अगर फर्स्ट व्हीट की बात करते हैं पहला गेहूं वाला साइट तो पहला गेहूं वाला साइट अभी भी मेहरगढ़ ही है ये आप याद रखिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा ये जो मेहरगढ़ और लौरा देवा जो बात हम कर रहे थे ये हम इंडियन सब की बात कर रहे हैं

ये हमें नर्मदा वैली के पास में एम के साइड में मिला है इसकी डिस्कवरी हुई थी नाइनटीन में फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन देखिए यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला जो सीरियल है वो क्या था वीट था बट यहाँ पे मैन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहला हमने यूज किया है बार्ले वेस्ट एशियन कंट्रीज के साइड में और थर्ड आता है राइस राइस हमने दिस विल कम फ्रॉम चाइना चाइना में सबसे पहले उगाया गया था राइस को तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें द फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन बार्ले बिकॉज इट वॉज नॉट रिलेटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम देखिए यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला है और यहाँ पे लोरा देवा एंड मेहरगढ़ दोनों हैं तो हम जब मैंने बताया था कि लौरा देवा और मेहरगढ़ दोनों दिया जाएगा तो हम टिक कर क्या करेंगे लौरा देवा जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है यूपी में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइट विच हैज द दर्लिएस्ट एविडेंसेज ऑफ सेटल्ड लाइफ सेटल्ड लाइफ का भी अर्लिएस्ट एविडेंसेज मेहरगढ़ है अगर एमपी वाला नहीं दिया होगा तो हम मेहरगढ़ टिक करेंगे पर अगर एमपी दिया होगा तो हम एमपी एमपी का साइट टिक करेंगे दी अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखिए यहां पे लोरा देवा नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने ऑप्शन कैटेक किया है मेहरगढ़ दर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर अगेन मेहरगढ़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चाल्कुलिथिक चार्लोलिथिक पीरियड बेसिकली कॉपर एज को बोला जाता है ओके okay? देखिए ऊपर याद होगा अगर स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इंटू पालियो मीजो एंड न्योलिथिक न्योलिथिक के एंड एंड पे जब हम स्टोन यूज कर रहे थे तो ट्रांजिशन जोन रहेगा ये कॉपर एज सो न्योलिथिक के एंड में हमने कॉपर जो कि पहला धातु पहला मेटल अगर हमने यूज़ किया था तो वो था कॉपर सो न्योलिथिक के एंड एंड में हमने कॉपर का इन्वेंशन किया था और कॉपर से बने हुए चीज़ों को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था तो so, न्योलिथिक के बाद कौन सा एज आ जा जाएगा कॉपर एज अच्छा उसके बाद ब्रॉन्स क्या होता है देखिए ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स जिसमें हम सबसे मैक्सिमम पोर्शन कॉपर का यूज करते हैं बट अलॉन्ग विथ कॉपर हम सम अमाउंट ऑफ टिन एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल को मिलाते हैं ताकि जो हम चीज़ बना रहे हैं उसकी मजबूती वो मजबूत हो जाए अगर प्योर कॉपर का बनाएंगे तो वो उतना मज़बूत नहीं होगा तो सबसे पहले ह्यूमन काइंड ने पत्थर यूज़ किया पत्थर के बाद सबसे पहला मेटल क्या यूज़ किया कॉपर और कॉपर को मज़बूत करने के लिए हमने उसमें कुछ टेन और एल्यूमिनियम के पार्ट मिलाए गए जिससे हमने एक अलॉय बनाया गया उस अलॉय को नाम रखा ब्रॉन्स अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन किसका पार्ट है ब्रॉन्स का पार्ट तो कॉपर एज को ही चालकोलिथिक एज भी बोला जाता है कॉपर एज इज़ ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपर इज यूज इन एडिशन टू स्टोन तो स्टोन के साथ साथ बोला था ना मैंने आपको ये दोनों साथ में आएगा ट्रांजिशन जोन है स्टोन भी यूज कर रहे थे कॉपर भी यूज कर रहे थे इसमें बोला है ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे हमको कल्चरल कल्चरल रिमेन्स मिले हैं स्टोन एज के भी और हरप्पा के भी दोनों के कल्चरल रिमेन्स मिले हैं तो हमको कहाँ मिले हैं वो मेहरगढ़ में नवदा तोली नवदा तोली बेसिकली इंदौर के पास में है मध्य प्रदेश में ओके यहां पे हमको क्या मिला है यहां पे हमको राउंड शेप का एज वेल एज रेक्टेंगुलर शेप का रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर मिला है जहां पे लोग रहते थे घर ओके राउंड एंड रेसिडेंशियल राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर हमको कहाँ मिला है नवदा तोली में नवदा तोली इंदौर एमपी याद रखिएगा अच्छा इस जो सर्कल अगर हाउस की बात करें तो इसका डायमीटर था थ्री मीटर और रेक्टेंगल का अगर हम बात करें तो टू इंटू टू टू मीटर लेंथ एंड टू मीटर इसकी ब्रेथ थी और जो रूफ टॉप था वो है ब्रांचेज एंड लीफ से बनाया हुआ होता था ओके सो ये आप याद रखिएगा इसके डिस्कवरी किसने की थी इसके दिस दिस, दिस वाज एक्सकवेटेड बाय एच डी संकालिया एंड ही वॉज दी प्रोफेसर ऑफ डेक्कन कॉलेज पुणे दिस साइट वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकवेटेड रूरल चार्लकोलिथिक साइट है ये और दिस वॉज बिटवीन सिक्सटीन हंड्रेड बी सी टू थर्टीन हंड्रेड बी सी तक का है नेक्स्ट है देखिए नबदा तोली मैंने बोला था ना याद रखिएगा कहाँ से नब्दा है नबदा तोली कहाँ लोकेटेड है एम पी में और अगर डिटेल में पूछा जाए तो इंदौर नियर इंदौर एम पी में है मेगा लिथ अच्छा मेगा लिथ क्या होता है मेगालिथ बेसिकली एक बरीयल साइट है बरियल साइट मतलब जहाँ पे इंसान को दफनाया जाता है तो अगर मान लो ये हैबिटेशन है जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो इससे बहुत दूर हैबिटेशन से बहुत दूर जाके जब भी इंसान की डेथ होती थी तो उनको पहले दफनाते थे और फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा स्टोन रख देते थे तो ये जो यूजिंग ऑफ ह्यूज स्टोन ओवर अ बरियल इसको हम बोलते हैं मेगालिथ कल्चर मेगालिथ कल्चर यूजली रेफर टू द बरीयल मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन्स इन ग्रेव यार्ड Away from habitation, okay? A large fraction of these is assumed to be associated with burials and post burials ritual, including memorials of those whose remains may or may not be available. जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हमको skeleton मिले। कभी-कभी अगर skeleton नहीं है, मगर कोई व्यक्ति बहुत important हुआ होता था, तो उनकी याद में भी ऐसे stone को हम रख देते थे, okay? Next है ash mound. Ash mound is associated with Neolithic site. अच्छा, ये जो है मेगालिथ uh, जो है वो मीज़ोलिथिक साइट है याद रखिएगा मीज़ोलिथिक में मेगालिथ मीज़ोलेक् में मेगालिथिक मेगालिथ कल्चर चलता था अगेन एम ई और एम ई -E से आपको क्लिक हो जाएगा अब जो ऐश माउंट है ऐश माउंट क्या होता है देखिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ऐश माउंट जो है वो न्योलिथिक साइट है देखिए ऐसा माना जाता है ऐश माउंट इज बेसिकली एश इज़ रिलेटेड टू कुछ जला होगा उस जल उस, उसको जलाने के बाद उसके ऐश बच जाते हैं और माउंट मतलब उसका उसका झुंड लगना ओके तो ऐसा बहुत बड़ा सा माउंट बन जाता है कुछ चीज़ों को जला के तो ऐसा माना जाता है कि न्यूलिथिक समय पे जो भी ये जो भी ये हर्ट्स मैन कम्यूनिटी के लोग होते थे जो कि शिफ्टिंग कल कल्टिवेशन करते थे तो वो क्या करते थे एक जगह पे जाएंगे सेटल होंगे कुछ महीने रुकेंगे और वहाँ रुकने के बाद जब वो वहाँ से शिफ्ट होते थे दूसरी जगह पे तो जो भी बचा कुचा उनके पास में रहता था उसको जला के ऐसे कैंप बनाते थे तो ये ऐश एशमाउंट हमको कहा मिले हैं जनरली ये हमको साउथ में पाए जाते हैं नॉर्थ में भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं बट मैक्सिमम टाइम ये साउथ में पाए गए हैं ओके okay? और यहां पे इसका राइट right ऑप्शन है संगाना कल्लू संगाना कल्लू इज लोकेटेड इन बेलारी डिस्ट्रिक्ट नियर माइसोर कर्नाटका ओके okay? इसके अलावा ये पिकलीहाल एंड उतनूर में भी पाए जाते हैं उंट भीम बेट का केव भीम कौड़ियों का केव किससे रिलेटेड है? रिलेटे है. Okay? है मैंने आपको करंट अफेयर में भी इसके बारे में चर्चा की गई है तो अगेन इसको याद रखिएगा भीमबेटका रॉक शेल्टर द uh, रॉक शेल्टर ऑफ भीम बेटका वॉज लोकेटेड इन फोर्टी फाइव किलोमीटर वेस्ट ऑफ भोपाल कहां पे है इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना हमने पढ़ा था करंट अफेयर वाले में यूनेस्को हैज इंक्लूडेड द शेल पिक्चर्स ऑफ भीम बेटका इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज दी केव्स एग्जिबिट द अर्लिएस्ट टेस्ट अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंक्लूडिंग द पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट सांबर डियर एट्सेट्रा सो देखिए अगर आपको बोला जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लिएस्ट ह्यूमन एविडेंसेस कहाँ हैं ह्यूमन लाइफ के एविडेंसेस कहाँ हैं तो ह्यूमन लाइफ के एविडेंसेस हमें भीम बेटका में मिलते हैं बट अगर हम सेटल्ड लाइफ की बात करें जहाँ पे लोग घर बना के प्रॉपर तरीके से सोसाइटी के बीच रहते थे तो वो हम पाएंगे मेहरगढ़ में ओके okay? नेक्स्ट है इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट सबसे ज्यादा पिक्चर्स कहाँ पाई गई है देखिए यहाँ पे लिखा है वन थर्टी थ्री पिक्चर्स एंड अप्रॉक्सीमेटली सेवन हंड्रेड से सेवन फिफ्टी रॉक शेल्टर्स हैं ये हमें पाई गई है भीम बेटका से विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग सेम भीम बेट का रायसेन डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने आपको पहले नेक्स्ट है विच केव्स ऑफ भीम बेट का कहाँ पे लोकेटेड है भीम बेट का रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखिए कन्फ्यूज करने के लिए भोपाल भी दिया हुआ है है ना अब्दुल्ला गंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट पर अगर रायसेन डिस्ट्रिक्ट या अब्दुल्लागंज नहीं दिया हुआ है इन दैट केस भोपाल के पास में था तो आप भोपाल लिख सकते हो बट अगर स्पेसिफिकली रायसेन लिखा हुआ है तो रायसेन आपको टिक करना पड़ेगा ओकरे कलर पॉटरी, सो बेसिकली जो ओकरे कलर होता है रेडिश कलर गेहूँ गे गेहूँ गे है ना गेरुआ सॉरी गेरुआ है ना गेरुआ कलर की जो होती है मट्टी के कलर का जो होता है वो जो पॉटरी है वो हमें कहाँ मिली है वो हमें हस्तीनापुर से मिली हुई है एंड इसको डिस्कवर किसने किया है इसको डिस्कवर किया है बी बी लाल जी ने 1951 में हस्तिनापुर से ओकरे कलर्ड पॉटरी एज नेम एम्प्लाइज इट्स मेन डिस्टिंग डिस्टिंग्विश फीचर वॉज इट्स ओकरे कलर विच गिव्स इट एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ बींग बैडली फायड अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये पोरस होता है कैरेक्टरिस्टिक में और इसके जो एजेस होते हैं वो इट इज़ अ वॉर्न आउट एजेस होते हैं एजेस होते हैं मतलब एकदम प्लेन एज नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम जॉर्वे कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं जॉर्वे कल्चर बेसिकली ऐसे लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी लाइफ होती है इसलिए ये क्या करते थे ये अपने जो भी व्यक्ति उनके घर में अगर किसी की डेथ होती थी तो उसे अपने घर के अंदर ही दफनाते थे बिकॉज दे यूज़ टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ उनका ये माना था कि मरने के बाद भी इंसान ज़िंदा है अगर हम अगर किसी बच्चे की डेथ होती थी तो उसे माउथ टू माउथ पोजिशन पे हॉरेजोंटली एक कलश के ऊपर रख रक, रखते थे और अगर अडल्ट की डेथ हुई तो उसे सरपाइन पोजिशन मतलब लेटा के रखते थे एंड अगर अडल्ट की डेथ हुई तो उसका जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था और पैर साउथ की तरफ सो नॉर्थ टू साउथ पोजिशन पे अडल्ट uh, बॉडी को ऐसे लेटा के उसको दफनाते थे ओके okay? और ये जॉर्वे कल्चर जो था वो कहाँ चलता था दैमाबाद दैमाबाद इनाम गांव चंदौली निवासा ठीक है तो अगर क्वेश्चन पे आते हैं अच्छा ये चार्कोलैथिक एज की बात कर रहे हैं हम जो जॉर्वे कल्चर है वो चार्कोलैथिक एज पे है इन चार्कोलैथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र अगेन ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र एंड आसपास के रीजन कर्नाटका हो गए वहां पे भी ये कल्चर पाया जाता था मैं गलत के साथ साथ uh, महाराष्ट्र बरिड देयर डेथ अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग पोजिशन तो अडल्ट का कहा बोला था नॉर्थ से साउथ पोजिशन पे विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज बीन स्केलेटन ऑफ यॉग अलॉन्ग ह्यूमन अच्छा इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे बुर्जा होम बुर्जा होम एक साइट है जो कि कश्मीर वैली में है बुर्जा होम इम्पॉर्टेंट है याद रखिए है कश्मीर वैली में है यहाँ पे इंसान को एनिमल के साथ दफनाया जाता था तो ऐसा हो सकता है कि उस समय पे भी पेट्स जो बहुत प्यारे होते हैं लोगों को तो अगर इंसान मरता था तो उसकी बॉडी और उसके जो पेट होता था उसकी बॉडी साथ में रखते थे बट इसके यूनिक फ़ीचर ये है कि जैसी कोई इंसान मर गया तो उनकी जो डेड बॉडी मिली है ना उनके जैसे उनके स्केलेटन से बहुत बड़ा सा होल मिला है उनके उनके सर पे चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो उनके सर पे एक बहुत बड़ा सा होल कर देते थे तो इस तरीके का स्केलेटन हमको कहाँ मिला है बर्ज बुरजा होम जो कि कश्मीर वैली में है और साथ साथ में एनिम बोन्स ऑफ एनिमल्स स्पेशली डॉग एंड डियर इनके स्केलेटन पाए गए हैं ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ में एक ही ग्रेव में ओके एंड द फर्स्ट एक्सकवेशन एट बर्जाहम साइट वॉज डन बाय हेलमोट डी टेरा एंड डी

रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या में मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पाए गए हैं याद है मैंने बताया था आपको आ, नहीं हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है बट इसके बुक के बारे में जरूर डिस्कस किया है ऊपर हमने डिस्कस किया था डॉक्टर जय नारायण पांडे जी के बुक के बारे में विच वॉज पुरातत्व विमर्श पुरातत्व विमर्श में उन्होंने क्या बोला था कि लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स ऑफ बोन मेड अप ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स पाए गए हैं उसके साथ साथ उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दी थी कि जो विंध्या रीजन जो विंध्या रीजन है विंध्या रीजन के पास में एक साइट है जिसका नाम है लेखाहिया लेखाहिया जो कि विंध्या रीजन के पास में है यहाँ पे हमको ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं एक एक ग्रेव में राउंड अबाउट सेवेंटीन ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं ओके कहाँ पे लेखाहिया विंध्या रीजन में अच्छा जे पांडे जी का ये कहना है कि सेवनटीन स्केलेटन मिले हैं पर एक आर्क्योलॉजिस्ट थे जिनका नाम है जॉन आर लूकस जो कि ऑरिगन यूनिवर्सिटी से आए थे यूएसए से जब उन्होंने इसको एक्सक्रवेट किया तो उन्होंने ये पाया कि लेखाइया में ट्वेंटी सेवन ह्यूमन स्केलेटन है तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि सेवनटीन है कि ट्वेंटी सेवन अगर हम जयनारायण पांडे जी की बात करें तो सेवेंटीन है जॉन आर लूकस की बात करें तो ट्वेंटी सेवन है क्वेश्चन देखिए कैसे बना है फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड नेक्स्ट है ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है विच ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री डील्स विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो इसका नाम है आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1897 में आर्क्योलॉजिकल सर्वे नाम का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था 1860 एक्चुअली यहाँ पे 71 लिखा हुआ है कुछ बुक्स में एट एटीन लिखा हुआ है तो ये दोनों से जरा सा ध्यान रखिएगा 1861 या 1871 में आर्क्योलॉजिकल सर्वे को एक सेपरेट डिपार्टमेंट की तरह बनाया गया जिसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे एलेक्जेंडर कनिंगम फिर नाइनटीन में जब लॉर्ड कर्जन का टेन्योर था तो आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सेंट्रलाइज़ कर दिया गया और इट बिकेम आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1902 जिसके फर्स्ट डायरेक्टर थे जॉन मार्शल नाउ वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड अच्छा फादर ऑफ आर्क्योलॉजी किसको बोलते हैं हम जॉन मार्शल को नहीं बोलते हम एलेक्जेंडर कनिंगम को बोलते हैं बट जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की अनाउंसमेंट किसने की थी जॉन मार्शल ने बट फादर ऑफ आर्क्योलॉजी कौन है एलेक्जेंडर कनिंगम बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट एवर डायरेक्टर ऑफ आर्क्योलॉजिकल सर्वे जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था ये एक्चुअली सिर्फ एम से रिलेटेड न्यूज़ है पर भी गुड टू नो इन्फॉर्मेशन वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड इट इज़ सिचुएटेड इन भोपाल नेशनल म्यूजियम नेशनल ह्यूमन म्यूजियम वॉज रीनेम्ड एज़ इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम विच वॉज लोकेट इन भोपाल इट वॉज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर विद दिस घटना चक्र का चैप्टर वन फिनिश होता है मेरा सजेशन रहेगा एक बार वीडियो फिनिश करके पाँच से छः दिन के गैप में वन एक्स की स्पीड में इस वीडियो को एक से दो बार जरूर रिवाइज करिए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा स्पेशली रिविजन के पर्पज से so keep learning and keep revising jai hind